राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में महामिलन होने वाला है, वो भी अनुज और अनुपमा का। अरे हाँ, खुद अनुज ने अपनी अनुपमा के पास जाने का फैसला कर लिया है। उधर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं अभिमन्यु तो अभीर के लिए पागल हो गया है, लेकिन अब अक्षरा ने भी उसे चेतावनी दे दी है। जबकि कुंडली भाग्य में राजवीर और पलकी ने सगाई कर ली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज सीरियल के मोहल्ले में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में महीनों से बिछड़े अनुज और अनुपमा आखिरकार मिलने वाले हैं, और हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सबसे ज़्यादा हंसी तो हमें माया और बरखा के अरमानों पर पानी फिरते देखा रही है। बताओ, अनुज को कितना फंसाने की कोशिश की, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सो माया के अरमानों को चूर चूर कर दिया। खास बात ये भी रही कि डिम्पी का असली चेहरा भी सबके सामने आ गया है, कि कैसे वो सिर्फ अपने मतलब के लिए अनुपमा का इस्तेमाल कर रही थी। समर भी साफ साफ शादी करने से मना कर देता है, और सबसे अच्छा काम तो पाखी ने कर दिया, जो माया के मुंह पर अनुज के सामने उसकी पोल खोल दी। अरे होता ये है कि पहले तो डिम्पी अपनी शादी और अनुज को लेकर राग गाती है। वो कहती है कि पाखी भी अनुज को मनाने के लिए गई है, अब सभी को सिर्फ अनुज की गलती ही क्यों दिखती है। समर डिम्पी को चुप कराते हुए कहता है कि जो मेरी मम्मी के साथ गलत करेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बीच में भाभी कूद पड़ती है और कहती है कि जब शादी टूट ही चुकी है तो तू क्या अब लड्डू बांटने के लिए आई है। अब डिम्पी कहती है कि हमारे बीच की लड़ाई को तुमने सबको बता दिया। दोनों का झगड़ा सुन के वनराज भी भड़क जाता है और कहता है कि इस घर में अनुज 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 के सिवा कोई बात क्यों नहीं होती। वनराज कहता है कि हम समर की खुशी के लिए शादी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम अनुज को बुलाओगी तो ये शादी नहीं हो सकती। अब डिम्पी भी कहती है कि अनुज सर ही मेरा कन्यादान करेंगे। डिम्पी वनराज को अनुज के सारे एहसान तक गिना देती है। वो कहती है कि 10 लाख का लोन से लेकर इस घर की छत तक अनुज सर की दी हुई है। उधर पाखी ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। बताओ, अकेली लड़की ने दोनों का मिलन करा दिया। अरे पाखी तो सीधा सीधा माया को सुनाती है कि माया और बरखा की मिली भगत से ही दोनों के बीच में गलत फहमियाँ हो रही थी। पाखी अनुपमा को बताती है कि वो अनुज से मिलने के लिए आई है। अब अनुपमा पहले तो बेचारी चुप हो जाती है, लेकिन बाद में कहती है कि तुम अनुज को परेशान मत करना, वो तो पहले से ही इतने परेशान हैं, और उनसे कोई बदतमीजी भी मत करना। अब अनुपमा की बात सुनकर अनुज खुद को बात करने से रोक नहीं पाता है, लेकिन तब तक अनुपमा फ़ोन काट देती है। अब पाखी अनुज से अकेले में बात करने के लिए कहती है, और माया वहाँ से जाने को राज़ी नहीं है। अनुज पाखी के सवाल का जवाब नहीं देता और सिर्फ रोता ही रहता है। अब अनुज की आंखों में इतने आंसू देखकर पाखी भी समझ जाती है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं भले ही अभिमन्यु अपनी सारी हदें पार कर दे, लेकिन अक्षरा उसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसे पता है कि अभिमन्यु को कैसे काबू करना है। तो वहीं इस बार अभिनव भी चुप नहीं रहा, और उसने जो गिन गिन कर अभिमन्यु को ताने मारे हैं, मतलब देख कर तो हमें मजा ही आ गया। अभिनव ने सारी कसर एक दिन में ही पूरी कर ली है। होता ये है कि रूही सभी लोगों को बताती है कि भाई अभीर कमरे में नहीं है। अब अभीर कमरे में नहीं है ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अक्षरा को लगता है कि कहीं जन्मदिन विश नहीं करने को लेकर अभीर गुस्सा होकर कहीं चला गया है, लेकिन अभीर तो अभिमन्यु के पास है जो उसे बिना बताए लेकर गया है। अक्षरा को पहले शक तो होता है, तो वो सीधा अभिमन्यु को फ़ोन करती है, और अभिमन्यु उसका फ़ोन भी नहीं उठाता, जिसके बाद उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि अभीर अभिमन्यु के पास ही है। अब दोनों आनंद फानन में वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद अपनी गलती मानने के बजाय अभिमन्यु तो सीधा सीधा अभिनव को घटिया इंसान करार देता है। लेकिन अभिनव भी अभिमन्यु को करारा जवाब देता है और कहता है कि हाँ, मैं हूँ घटिया इंसान, क्योंकि एक बेसहारा लड़की की मदद की मैंने, उसके बच्चे को अपने सीने से लगा कर पाला, सच जानते हुए भी इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास लेकर आया, क्योंकि उसके अपनों ने तो उसका साथ छोड़ दिया था। अब अभिमन्यु से कोई जवाब देता नहीं बन रहा है कि वो अभिनव को बोले क्या।
इसके बाद अक्षरा आकर भी अभिमन्यु को खूब खरी खोटी सुनाती है कि अगली बार ऐसी हरकत की तो कानूनी तौर पर जवाब मिलेगा। वो कहती है कि इसी दिन के लिए तो वो इतने सालों से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वहीं कुंडली भाग्य में राजवीर और पलकित दोनों ही अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन राजवीर ने तो हड़बड़ी में कांड कर दिया है। अरे उसने पलकी को अंगूठी जो पहना दी है वो भी चोरी छिपे। अब केतन पलकी को अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है, लेकिन तभी माही आ जाती है और पलकी को अंगूठी उतारने का मौका मिल जाता है। लेकिन अंगूठी तो उंगली में फंस चुकी है भाई। अब पलकी राजवीर को डांटती है, लेकिन राजवीर कहता है कि तुम्हारे हाथों में ये मेरी पसंद की हुई अंगूठी बहुत जच रही है। हालांकि पलकी खुश नहीं है और वो राजवीर से कहती है कि उसे ये अंगूठी उसकी सगाई की उंगली में नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि वो केवल मंगेतर या पति ही ऐसा कर सकता है। अब राजवीर भी पीछे हट जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या वाकई दोनों की सगाई हो गई। वहीं गुम में किसी के प्यार में अम्बा एक शर्त पर सई और सत्या की शादी कराने को राजी हो जाती है। अब सई से मिलने के बाद भी अम्बा नहीं चाहती कि दोनों की शादी हो, लेकिन घर वालों के दबाव और सत्या के जिद के आगे वो झुक गई है। लेकिन अम्बा ने एक शर्त रखी है कि अगर शादी के बाद भी सई का बीता हुआ कल उनके रिश्ते के बीच आया तो जो वो फैसला करेगी वो सत्या को मानना होगा। अब सत्या भी अपनी आय की बात पर राजी हो जाता है। सत्या सई को बताता है कि शादी के लिए आई मान गई है और कल सुबह ही दोनों की शादी होनी, जिसके बाद सत्या दूल्हा बनकर सज सवर कर निकलता है और सभी लोग उसकी बारात में शामिल भी होते हैं। अब सई भी दुल्हन की तरह सज रही है, लेकिन उसके मन में बड़ा अजीब सा डर है। वो इस शादी से खुश नहीं है और वो खुद से ही सवाल करती है कि आखिर वो ये शादी क्यों कर रही है। तो दोस्तों ये तो थी अब तक की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।